Hello everyone, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic cycas. तो आज हम लोग cycas के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. इससे पहले मैंने gymnosperm पे बहुत सी वीडियो अपलोड कर ली और आप लोग के कहने पे मैं एक और वीडियो ला रही हूँ जो कि है cycas पे, बिकॉज आप लोगों ने genus वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उसी की वजह से मैं आज cycas पे भी एक वीडियो बना रही हूँ. अगर आपको ephedra पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं उस पे भी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी. तो आज मैंने कॉपी के फॉर्म में न देने के बजाय मैंने पे आप लोगों के लिए पीपीटी के फॉर्म में नोट्स अवेलेबल कराए हैं और ये प्रेजेंटेशन मैंने अब खुद बनाई है फ्रॉम माय नोट्स, तो आप लोगों को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं cycas के बारे में. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है दैट जो cycas होता है उसको हम बोलते हैं कि ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं. जिम्नोस्पर्मिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, ठीक है. ये हमारे एवरग्रीन होते हैं, डायशेज होते हैं, पाम लाइक ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हो जाते हैं. बॉडी इनकी डिफरेंशिएट होती है इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव, ठीक है. ये चीज़ आपको समझ में आती है कि ये वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट्स होते हैं बिकॉज इनमें जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम्स और लीव में डिफरेंशिएटेड होती है. इनको हम ज़ीरोफाइट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये ड्राई हैबिटेट पे सर्वाइव कर सकते हैं. इसके बाद से जो सेकंड चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है इसका डिवीजन, ठीक है. तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, साइकेडोफाइटा, साइकेडोप्सिडा, साइकेडेल, साइकेडेसी, तो ये है इसका क्लासिफिकेशन के बारे में. cycas डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में किस तरीके से cycas का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अब हम लोग वो देखेंगे. तो देखो cycas का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है इंडिया में. सबसे पहले जो पहले की चार स्पीसीज है दैट इज cycas रम्फाई, cycas बेडोमी, cycas पैक्टिनेटा, cycas सिरसिनालिस, तो ये इंडिया की ही स्पीसीज है. लेकिन रिवॉल्यूटा और सियामिनसिस क्या है, ये आउट ऑफ इंडिया है, इसको बाहर से इंडिया में मंगाया गया है और जस्ट गार्डन स्पीसीज के फॉर्म में ये ग्रो करवाई जाती है. cycas रम्फाई मिलती है अंडमान निकोबार में, cycas बेडोमी इन कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, देन cycas पैक्टिनेटा इन असम, सिक्किम एंड मणिपुर, देन सिरसिनालिस इन वेस्टर्न घाट्स. रिवॉल्यूटा और सियामिनसिस तो बाहर से मंगाई गई है, तो मोस्टली जापान, चाइना, यहाँ से इनको मंगाया गया है, राइट. नेक्स्ट वी हैव द रूट ऑफ cycas. cycas की रूट्स किस तरीके से होती है अब हम वो देख लेते हैं. तो देखो cycas की जो रूट्स होती है यहाँ पे दो टाइप की रूट्स देखी जाती है, एक होती है हमारी नॉर्मल रूट्स ऑफ cycas और एक होती है कोरोलॉइड रूट ऑफ cycas. नॉर्मल रूट्स और कोरोलॉइड रूट्स में क्या है, मैंने यहाँ पे डिफरेंस एक पॉइंट बाई पॉइंट लिखा है तो आप कंपेयर कर सकते हो. सबसे पहले जो नॉर्मल रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब कि वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, और जो कोरोलॉइड रूट्स होती है ये होती है हमारी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब कि ये अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है. जो नॉर्मल रूट्स होती है उनका काम होता है एंकर करना, सपोर्ट करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, इस चीज़ में ये सपोर्ट करती है. और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, इट इज़ प्रेजेंट, इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है नॉर्मल रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है. और कॉर्टेक्स यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, मतलब जब हम इंटरनल स्टडी करते हैं ना कॉर्टेक्स की, तो वो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है. यहाँ पे जो हम लोगों का जाइलम होता है वो डायार्ज होता है और पिथ मोस्टली एब्सेंट रहता है. ये एनाटॉमी की बात हम करें तो एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी को जस्ट एक कंपैरिजन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अगर cycas आता है तो दोनों फीचर आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. कोरोलॉइड रूट में क्या होता है कि उसका फंक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ फिक्सेशन करना, ठीक है, नाइट्रोजन का. इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट रहती है. कॉर्टेक्स कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, जाइलम ट्रायार्ज होता है. तो ये चीज हमने देखी नॉर्मली. तो एक बार मैं आपको इसका कंपैरिजन बता दी हूँ कि कंपैरिजन कैसा होता है. देखो कि जो नॉर्मल रूट्स होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, तो कोरोलॉइड रूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है. ये एंकरेज करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में सपोर्ट करती है. सेकेंडरी ग्रोथ हमारी यहाँ प्रेजेंट रहती है नॉर्मल रूट्स में, वहीं भी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो हमारी कोरोलॉइड रूट्स में एब्सेंट रहती है, राइट. कॉर्टेक्स हमारा जो नॉर्मल रूट्स होती है वहाँ पे कैसे होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, लेकिन यहाँ पे कोरोलॉइड रूट्स में जो हमारा कॉर्टेक्स होता है वो डिफरेंशिएटेड रहता है. कैसे डिफरेंशिएट होता है, इनटू आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स. मिडिल कॉर्टेक्स में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि कुछ एल्गीज प्रेजेंट होती है और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं. पिथ के बारे में कहेंगे तो नॉर्मल रूट्स में पिथ एब्सेंट रहती है और यहाँ पे पिथ प्रेजेंट रहती है इन केस ऑफ कोरोलॉइड रूट्स, ठीक है. और एक और डिफरेंस आता है दैट जो नॉर्मल रूट्स होती है यहाँ पे जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा डायार्ज, ठीक है. और यहाँ पे जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, ट्रायार्ज होता है. तो आप यहाँ पे ये डायग्राम भी देख सकते हो, ये cycas की नॉर्मल रूट्स है और ये cycas का कोरोलॉइड रूट्स है, राइट.
नाउ वी हैव द स्टेम ऑफ साइकस. देखो साइकस की स्टेम कैसी होती है इसके बारे में भी मैंने जस्ट एक जनरल यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखा है, तो आप इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि साइकस की स्टेम क्या होती है. इसकी जो स्टेम होती है वो होती है बिल्कुल अनब्रांच, सिलेंड्रिकल एंड ट्यूबरस. ठीक है, अनब्रांच होती है, सिलेंड्रिकल और ट्यूबरस टाइप की इसकी स्टेम होती है. इट इज़ कवर्ड बाई ब्राउन स्केली लीव. इसकी स्टेम क्या होती है, ब्राउन स्केली लीव से कवर रहती है. और इसकी जो स्टेम होती है वहाँ पे स्कार्स के पैटर्न देखे जाते हैं इन द सीरीज फॉलिएज, स्केली एंड स्पोरोफिल स्कार. इसका जो जाइलम होता है वो एंडार्च होता है. जो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की जो हम बात करते हैं तो मेटाजाइलम होगा बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम होगा अंदर की तरफ, तो उसको हम बोलते हैं एंडार्च. ठीक है, और एक्सार्च होता है जब प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है. इसमें जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलिट्रल और ओपन. ओपन कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी, मतलब सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा. कॉर्टेक्स रीजन इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिलेज कैनाल एंड द लीफ ट्रेसेस. जो कॉर्टिकल रीजन होता है वहाँ पे म्यूसिलेज कैनाल और लीफ ट्रेसेस देखने को मिलती है. तो हम इसका एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो होता है डायग्राम होता है. तो इस तरीके से साइकस की स्टेम दिख सकती है. तो इसकी स्टेम में क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी जो स्टेम होती है वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीन टाइप के स्कार्स देखने को मिलेंगे, फॉलिएज स्कार, स्केली स्कार एंड स्पोरोफिल स्कार. ठीक है, ये होता है साइकस की एक डीप स्टेम है. और यहाँ पे हमने एक नॉर्मल साइकस की स्टेम दिखाई है जिसके ऊपर से क्या है, आप ये लीव देख सकते हो. ये जो लीफ है ये फॉलिएज लीफ है और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये सब स्कार्स है. नाउ वी हैव द लीफ ऑफ साइकस. देखो साइकस की जो लीव्स होती है यहाँ पे दो टाइप की लीव्स देखने को मिलती है और ये डाइमॉर्फिज्म शो करती है. तो ये वर्ड डाइमॉर्फिज्म मतलब कि वो दो टाइप शो करती है, एक फॉलिएज लीफ होती है और एक स्केली लीफ होती है. तो फॉलिएज लीफ होती कैसे है, बिल्कुल लार्ज होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है, फोटोसिंथेटिक, और इसमें क्या होता है लीफलेट्स और रैकेस देखने को मिलती है. वहीं पे अगर हम स्केली लीफ के बारे में कहेंगे तो स्केली लीफ कैसी होती है, स्मॉल, ड्राई होती है, इट प्रोटेक्ट मेरिस्टेम एंड अदर एरियल पार्ट एंड डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. तो स्केली लीफ फोटोसिंथेसिस कभी परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन जो फॉलिएज लीफ होती है उसका काम होता है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है. ठीक है, स्केली लीफ हमेशा छोटी होती है, सूखी हुई होती है, लेकिन जो फॉलिएज लीफ होती है वो लार्ज और पिनेटली कंपाउंड होती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसके एनाटॉमिकल फीचर जब पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना कि साइकस की जो लीफ होती है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा है, लेकिन इसमें एक चीज हम हमेशा याद रखना कि जो साइकस की लीफलेट होती है जब हम इसकी एनाटॉमी पढ़ते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड ओमेगा शेप का वास्कुलर बंडल देखने को मिलता है इसकी रैकिस के अंदर. और जब हम इसकी लीफलेट पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि जाइलम दो टाइप के होते हैं, डिप्लोजाइलिक कंडीशन बोलते हैं. एक होता है हमारा यहाँ पे सेंट्रीपिटल जाइलम और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल जाइलम. ठीक है, तो ये कंडीशन आप दिमाग में रखना जब भी इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे. सेकंड थिंग, इसकी लीफ क्या होती है, यहाँ पे संकन स्टोमेटा देखने को मिलता है. जीरोफिटिक फीचर की बात हो रही है ना, तो जीरोफिटिक फीचर में एक तो संकन स्टोमेटा होता है, दूसरा होता है कि यहाँ पे थिक क्यूटिकल देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये पढ़ा हमने इसके लीफ के बारे में जस्ट एक नॉर्मल कि किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन होता है. अब फाइनली हम इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में आ जाते हैं. जो साइकस होता है उसमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. इसके पहले आप एक पॉइंट जरूर मेंशन करना कि साइकस ही एक ऐसा जीनस है जिम्नोस्पर्म में जहाँ पे थोड़ा क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वो भी बुलबिल्स के थ्रू. तो बुलबिल्स क्या होते हैं, एक टाइप के वेजिटेटिवली प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं जो कि साइकस में प्रेजेंट रहते हैं और साइकस क्या करते हैं उनसे रिप्रोड्यूस करते हैं. अब जैसे कि मैंने बोला जो साइकस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो डाइशस होते हैं, मतलब कि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग उस पर प्रेजेंट रहेंगे. तो ये कैसे होता है, डाइशस होते हैं. अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना कि देखो जो मेल होता है उसमें कोन प्रेजेंट रहता है, बट जो फीमेल होती है वहां पे कोन देखने को नहीं मिलेगी. तो मेल कोन हमेशा कोनिकल होते हैं. ठीक है, कंटेन माइक्रोस्पोरोफिल विद सोराई ऑन द एबेक्सियल सरफेस. तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल होती है, माइक्रोस्पोरोफिल की दो सर्फेसेस होती है, एक होती है हमारी एबेक्सियल सरफेस और एक होती है एडेक्सियल सरफेस. एबेक्सियल मतलब होती है लोअर, एडेक्सियल मतलब होती है अपर. तो यहाँ पे जो एबेक्सियल मतलब लोअर सरफेस होती है ना, तो वहाँ पे हमारे माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं. तो ये स्पोरेंजियम क्या होता है, ये सोराई के फॉर्म में अरेंज रहती है. और फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट रहेंगे, बट यहाँ पे कोई भी कोन देखने को नहीं मिलती है. हमेशा याद रखना कि साइकस के केस में क्या होता है कि मेगा स्पोरोफिल तो मिलेगा लेकिन जो कोन होता है वो इधर एब्सेंट रहता है. ठीक है, उसके बाद से क्या आ जाता है कि स्टॉक एट द बेस. तो ये जो मेगा स्पोरोफिल होता है साइकस का, ये मोस्टली क्या होता है, ये बेस पे स्टॉक के फॉर्म में होता है. मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाता है कि
अपर में क्या होगा, कुछ पिनेटिफाइड लेमिना की तरह दिखेगा और यहाँ नीचे एक स्टॉक टाइप हो जाएगी, और इसकी स्टॉक में यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं इस तरीके से। तो इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं लगा दूंगी टॉप कॉर्नर पे, वहाँ पे आप चेक कर लेना कि किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो मैंने लगाया है, तो ये मेगा स्पोरोफिल का ही स्ट्रक्चर है। तो इसके जो मेगा स्पोरोफिल होता है, हमेशा याद रखना कि जो मेल कोन होता है वहाँ पे तो कोन प्रेजेंट रहता है, बट हम जब बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो वहाँ सिर्फ कोन एब्सेंट रहती है, वहाँ सिर्फ मेगा स्पोरोफिल होती है। और जो मेगा स्पोरोफिल होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा कोनिकल शेप का होता है, इसलिए हमें लगता है कि साइकस की जो फीमेल है उसके पास भी कोन है, बट इन एक्चुअल कोन वहाँ पे एब्सेंट रहती है। एंड जनरली ये जो साइकस होता है इसमें एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल कैसा होता है इसकी भी हम लोग स्टडी करते हैं, बिकॉज साइकस का ओव्यूल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले आप ये साइड में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज फॉर द मेल कोन एंड दिस इज फॉर द फीमेल मेगा स्पोरोफिल नॉट द कोन। तो कीप इट इन माइंड कि जो फीमेल जो साइकस होता है वहाँ पे मेल में तो कोन प्रेजेंट रहता है, बट फीमेल में क्या होता है, कोन जनरली एब्सेंट रहती है। इसके बाद से विल बी टॉकिंग अबाउट द ओव्यूल ऑफ साइकस। तो साइकस का ओव्यूल जब हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं कि साइकस के ओव्यूल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले जो साइकस का ओव्यूल होता है वो होता है ऑर्थोट्रॉपस, ठीक है। तो साइकस का ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रॉपस। ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहने का मतलब क्या है कि जो साइकस होगा इसमें जो माइक्रोपाइल फ्यूनिकल और चेलेजा है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दिमाग में ये रखना है कि साइकस का जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, वो होता है ऑर्थोट्रॉपस, वो होता है यूनिटैग्मिक। यूनिटैग्मिक मतलब टैगमिन जब हम बोलते हैं ना, तो ये जो टैगमिक वर्ड होता है ये लेयर के लिए आता है, तो यूनि मतलब होता है सिंगल, तो एक सिंगल लेयर देखने को मिलती है यहाँ पे। जो सिंगल लेयर होती है वो भी डिफरेंशिएटेड होती है इनटू आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं सार्कोटेस्टा, मिडिल लेयर को बोलते हैं स्क्लेरोटेस्टा, और इनर मोस्ट लेयर जनरली क्या होती है, वो फ्लैशी होती है, तो उसको आप एंडोटेस्टा बोलते हो, राइट। यहाँ पे माइक्रोपाइल हमेशा टिप पे होता है, और यहाँ पे आर्चेगोनिया और न्यूसिलस के बीच में आर्चेगोनियल चैम्बर देखने को मिलता है, और न्यूसिलस और माइक्रोपाइल के बीच में क्या होता है, पॉलन चैम्बर होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ देखें तो ओव्यूल इज सप्लाइड बाय द वस्कुलर सप्लाई। तो जनरली जो ओव्यूल होता है उसको क्या होता है, तीन वस्कुलर स्ट्रैंड की सप्लाई मिलती है, और इन स्ट्रैंड को क्या होता है, जनरली स्ट्रैंड आते कहाँ से हैं, ये आते हैं फ्रॉम द मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। अब हम उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि कैसा उसका डायग्राम होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखो ये वस्कुलर स्ट्रैंड जा रही है हमारी, ये वस्कुलर स्ट्रैंड जाती है मेगा स्पोरोफिल से, इधर पे मेगा स्पोरोफिल होता है ना, मेगा स्पोरोफिल क्या होता है, ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल तो अरेंज रहता है, जो मेगा स्पोरोफिल होता है उसमें क्या होता है, ओव्यूल मेगा स्पोरोफिल भी। जैसे आप यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं मेगा स्पोरोफिल में, दैट द मेगा स्पोरोफिल हैव आर ऑफ टू टाइप, एक इसमें क्या होता है ओव्यूलिफेरस ब्रैक्ट होती है, और एक स्केली ब्रैक्ट होती है। तो जो ओव्यूलिफेरस ब्रैक्ट होती है उसमें बेस पे दो ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये ओव्यूल का ही स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेगा स्पोरोफिल क्या होती है, वहां से ये स्ट्रैंड्स आती है जो कि वस्कुलर सप्लाई प्रोवाइड करती है, ये वाली, तो ये हमारी इनर स्ट्रैंड हो गई। और अगर मैं इसे दूसरे से मार्क करूं तो ये वाली जो बाहर की तरफ जा रही है ना हमारी, ये है हमारी आउटर स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये है इनर स्ट्रैंड, ग्रीन वाली से जो मैंने मार्क करी है वो है इनर स्ट्रैंड, और येलो वाली वो है आउटर स्ट्रैंड। इसके अलावा अगर हम बोलेंगे तो मैंने बोला कि इंटिग्यूमेंट, तो इंटिग्यूमेंट तो यूनिटैग्मिक कंडीशन है, लेकिन ये यूनिटैग्मिक कंडीशन भी तीन टाइप की सब लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी सब लेयर होती है, एक होती है हमारी ये आउटर वाली जो रेडिश से मार्क करी है, वो है हमारी आउटर फ्लैशी। फिर उसके बाद से क्या आ जाती है, जो मैं ग्रीन से मार्क कर रही हूँ ये है हमारी स्टोनी लेयर, एंड जो ब्लू से मार्क कर रही हूँ वो वाली कौन सी है, वो है इनर वाली फ्लैशी लेयर, ठीक है। तो होती तो सिंगल लेयर कंडीशन है, बट यहाँ पे जो सिंगल लेयर होती है वो डिफरेंशिएट होती है इनटू आउटर फ्लैशी, मिडिल स्टोनी, एंड द इनर मोस्ट इज द फ्लैशी लेयर, एंड फाइनली वी हैव आर्चेगोनियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास आर्चेगोनियम है, ये अंदर की तरफ है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, दैट आई एम मार्किंग विद द ब्लू कलर, तो यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से मार्क करने वाली हूँ वो है हमारा न्यूसिलस। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन न्यूसिलस का है, ठीक है। ये न्यूसिलस हो गया, ये जो पर्पल से मैं मार्क कर रही हूँ ये पोर्शन पूरा एंडोस्पर्म हो गया, देन ग्रीन से मार्क करने वाले स्ट्रक्चर्स हमारे आर्चेगोनियम है। तो मोस्टली यहाँ पे दो आर्चेगोनियम देखने को मिलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है, इसको पूरा माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहीं से क्या हो जाता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है वो हमारा एंटर करता है इनसाइड द ओव्यूल। पोलन चैम्बर इज बिटवीन द न्यूसिलस एंड द माइक्रोपाइल। तो ये न्यूसिलस और माइक्रोपाइल के बीच में
यानी कि माइक्रोपाइल है ये वाला पोर्शन और न्यूसिलस है ये वाला पोर्शन. इसके बीच में क्या है, अब मैं यहाँ पे पिंक से मार्क करके दिखाती हूँ आपको, इसको हम कहते हैं पोलन चैम्बर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पोलन चैम्बर. ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पोलन चैम्बर. तो ये था हमारा अबाउट द ओव्यूल ऑफ साइकस. देन फाइनली व्हाट वी हैव इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइकस. तो साइकस आता है तो एट एंड यू कैन ऑल्सो मैंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्ट. जैसे साइकस पेक्टिनेटा है, तो की जो क्रस्ट स्टेम होती है इससे रूट हेयर का ट्रीटमेंट किया जाता है. साइकस बेडोम है फॉर द क्यूरिंग ऑफ र्यूमेटिज्म एंड अर्थराइटिस. देन साइकस सिर्सिनेलिस से स्टमक पेट दर्द को क्योर किया जाता है. वॉमिटिंग, स्किन डिजीज, ये सब चीज़ें क्योर की जाती है. साइकस रिवॉल्यूटा क्या होता है, इसका जो सीड का टिंक्चर निकलता है, लिक्विड होता है, टिंक्चर मतलब लिक्विड टाइप का एक मेडिसिन होता है, उससे हम क्या करते हैं, हेडेक को क्योर करते हैं. साइकस रिवॉल्यूटा की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रीन मेन्योर, यानी कि इसका जो ग्रीन मेन्योर होता है प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेन्योर ऑफ राइस, पोटैटो एंड शुगर केन. देन वी हैव द यंग सकुलेंट लीफ ऑफ साइकस आर एडिबल एज वेजिटेबल एंड द स्टेम्स एंड द सीड आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द सैगो. सैगो मतलब हो जाता है साबूदाना. ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी. स्टार्टिंग हमने करी थी इंट्रोडक्टरी पार्ट से, जहां हमने साइकस का इंट्रोडक्शन देखा, क्लासिफिकेशन देखा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा, दो टाइप की रूट्स होती हैं, उसका स्टेम पढ़ा, स्टेम में भी स्कार्स देखने को मिलती है, लीफ पढ़े तो लीफ भी डायमॉर्फिज्म शो करती है लाइक दैट ऑफ द रूट. फिर हमने फाइनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की तरफ पढ़ा, जहाँ पे हमने मेल फीमेल कोन के बारे में पढ़ा, ओव्यूल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड देन फाइनली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. सो थैंक यू.